इधर खबर जबलपुर से, यहां पर दिव्यांग को धमकाना पूर्व पार्षद को महंगा पड़ गया है। स्थानीय लोगों ने पार्षद को खदेड़ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर वहां पर पूर्व पार्षद नवीन रिछारिया भाग खड़े हुए। एमआईसी सदस्य हैं नवीन रिछारिया। चेरीताल वार्ड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर में दिव्यांग को धमकाना पूर्व पार्षद को महंगा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने पार्षद को खदेड़ दिया। पूर्व पार्षद वहां पर अपनी दबंगई दिखाने गए थे। लोगों का गुस्सा देखकर पूर्व पार्षद नवीन रिछारिया वहां से भाग निकले। एमआईसी के सदस्य हैं नवीन रिछारिया, लेकिन स्थानीय लोग बेहद गुस्से में नजर जब आए तब नवीन साहब वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझते नजर आए। कुमार इंदर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। कुमार इंदर, ये पूरा मसला क्या है और क्या जरूरत आन पड़ी कि पूर्व पार्षद वहां पर एक दिव्यांग को समझाने चले गए, दिव्यांग से झगड़ने चले गए? दरअसल देखिए, पूरा मामला जो है चेरीताल वार्ड का है। वहाँ पे लोगों का यह आरोप है कि चेरीताल वार्ड में पिछले 2-3 सालों से, या कहे जब से ये पार्षद बने हैं नवीन रिछारिया, विकास के कोई काम नहीं हुए हैं। हाँ, विकास के नाम पर यदि कुछ हुआ है तो कागजों पे लिपा पोती जरूर हुई है। लाखों रुपए कागजों पे निकाल लिए गए विकास के नाम पर। यही वजह थी कि लोगों चेरीताल वार्ड के जो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कई दिनों से वो पार्षद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कई जगह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ना तो पार्षद मिल रहा है, ना कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहा है। जिसके चलते लोगों ने किया ये कि उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद गुम हो गए, शायद अब हमारे पार्षद हमारे बीच में नहीं रहे। इस तरह की नारेबाजी और इस तरह का एक उन्होंने जो है ट्रेंड चलाया हुआ था, यही इस चीज़ से पार्षद जी, पूर्व पार्षद जी इतने नाराज हुए कि एक विकलांग के घर में पहुंच गए। विकलांग उस आंदोलन में शामिल है जो लोगों ने मुहिम चलाई और उसको धमकी दे डाली, इस तरह से तुम जो मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे खिलाफ जो साजिश आप लोग चला रहे हो, ये कहीं नहीं, काफ़ी अपशब्द भी हुए जो हम लोग अपने टीवी पे लोगों को, दर्शकों को सुना नहीं सकते। ऐसी चीज़ें काफ़ी कुछ बहस हुई। जब बहस हुई लोगों को इस बात पता चला कि पार्षद जी जो है विधायक विकलांग को धमकी दे रहे, लोगों का जमावड़ा लग गया और उन्होंने जब विधायक पूर्व पार्षद से सवाल जवाब किया और जब माहौल गर्म हुआ तो पार्षद ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और इसका नतीजा हुआ कि पार्षद लोगों के सवालों को जवाब नहीं दिए और वहां से निकल गए। जब पार्षद से इस बारे में बात किया कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, तो पार्षद ने पूरा ठीकरा कोरोना काल पर फोड़ दिया। उनका ये कहना है क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से कोरोना काल चल रहा है, बजट की कमी है, निगम से पास नहीं हो रहा है, कमिश्नर हमारे बजट को पास नहीं कर रहा, इस तरह की तमाम बहानेबाजी करते हुए वो मामले को टालते दिखे। लिहाजा लोगों के गुस्से का मेन वजह यही है कि उनके क्षेत्र में विकास का काम नहीं होना, उनको आए दिन परेशानियों से जूझना, ये तमाम मुद्दों को लेकर वो पार्षद के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए, पूर्व पार्षद पर मुहिम छेड़े हुए हैं। चुनाव फिर से निकाय चुनाव होने की सरगर्मियाँ तेज है, लिहाजा पूर्व पार्षद को ये दर्द सता रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की मुहिम उनके राजनीतिक जमीन खराब न कर दे। बिल्कुल, और इसी डर के चलते वो दूसरे को डराने जा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।